हे गाइस, दिस इज मोहित कुमार कश्यप और आप देख रहे हैं गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल। और गाइस, यहां पर आज की इस वीडियो के जरिए मैं आपको ज्योमेट्री की ट्रिक बताऊंगा। और ज्योमेट्री की जो ट्रिक होगी वो इस टाइप के तीन चार तरह के क्वेश्चंस होते हैं, उन पर पूरी तरह से काम करेगी, ठीक है। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में 100% देखने को मिलता है। तो चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन आपके साइड में स्क्रीन पर आ रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर में एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के और एंगल सी इक्वल है एंगल आर के, ठीक है। बी और यहां पर क्यू इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है, ठीक है। और सी और आर एक दूसरे के इक्वल है और एम जो है इसका मध्य बिंदु है। यदि ए बी रेशियो पी क्यू है 7:4, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहां इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल पूछा है कि क्षेत्रफल जो एरिया है, ठीक है, एरिया ए बी सी अपॉन एरिया पी एम आर, मतलब दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का यहां पर ये पूछा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो अब आप यहां ध्यान दीजिए कि यहां पर ए बी भुजा दे रखी है हमें, ए बी यहां पर और पी क्यू, PQ भुजा जो दे रखी है 7:4 के रेशियो में दे रखी है। तो होता क्या है कि जब भी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का इस तरह से क्वेश्चन आता है तो जो उसका क्षेत्रफल होता है वो उसकी एक भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, यहां पर 49 रखेंगे और दूसरी भुजा PQ जो होगी वो 4, तो वो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 बन जाएगा और आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 49/16, ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये हमारा राइट आंसर इस तरह से बन जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। इसी तरह का और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है यहां पर कि दो समरूप त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर का परिमाप क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है। यदि पीक्यू बराबर 18 सेंटीमीटर है तो एबी किसके बराबर होगा। तो यहां पर जैसे हमने क्षेत्रफल की बात की वैसे ही इसके परिमाप की बात हो सकती है। तो ये तो एरिया था, इसका क्षेत्रफल था, यहां पर हम बात कर रहे हैं इसके पैरामीटर की, परिमाप की। तो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर, यहां पर पी क्यू आर त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर हम माने, मान लीजिए दो त्रिभुज हम बना भी लेते हैं, ठीक है, तो यहां पर क्योंकि आपके क्वेश्चन में त्रिभुज दिया हुआ नहीं है, हालांकि इसकी जरूरत भी नहीं है यहां पर, ठीक है। तो पी क्यू आर, तो ये दोनों त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो किसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये तीनों भुजाओं का योग और यहां पर भी ये तीनों भुजाओं का योग, परिमाप क्या होता है, परिमाप यही तो होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग होता है। तो यहां पर अगर हमें ये दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ है, आप यहां रखेंगे इसको पी क्यू प्लस, सॉरी इसके लिए ए बी के लिए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए रहेगा और नीचे रहेगा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। मैं पूरी डिटेल में आपको बताकर चल रहा हूं, हालांकि ये एग्जाम में करने की जरूरत नहीं होती इतने डिटेल में, ठीक है। एबीसी और पीक्यूआर ये हमें दिया हुआ है कितना है, 60 है और नीचे ये 36 दिया हुआ है और यहां पर ए बी बी सी सी ए, ठीक है, ये तो हमें निकालना है। तो हम इसे 3 एबीसी, क्योंकि यहां पर क्या है, इसको हम एज ए काम करेंगे जैसे कि एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो 3 AB मान लेंगे और यहां पर 3 PQ मान लेंगे, 3 से 3 तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो ए बी की वैल्यू हमें यहां पर निकालनी है, जबकि पी क्यू हमें दे रखा है कितना है, 18 18 2 36, तो 2 से 30 बार में कट जाएगा। तो ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर, यहां पर ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। ए बी पूछा है यहां पर, ठीक है, 23 सेंटीमीटर, यहां पर आंसर आ जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि परिमाप का जो अनुपात होता है, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, ठीक है, ये आपको ए बी बी सी सी ए भी रखने की जरूरत नहीं होती, जो परिमाप का अनुपात होता है और वही हमेशा भुजाओं का अनुपात होता है, दोनों का सेम अनुपात होता है। तो ये चीज अगर नहीं भी आप समझेंगे, संभव है जो भी है, तो भी आप इस चीज को अच्छे से निकाल सकते हैं। सिंपल आपको 60/36 करना है और बराबर ए बी बटे 18 करेंगे, 18 2 36, 2 से 30 बार में कट जाएगा, ए बी बराबर 30 आपको आंसर मिल जाएगा, क्लियर। तो ये दो क्वेश्चन आपके समझ में आए। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल और ले लेते हैं ताकि आपको ये जो ट्रिक है बिल्कुल आपके दिमाग में बिल्कुल सेट बैठ जाए। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एल एम एन, तो पी क्यू आर तो है, इसको एल एम एन मान लेते हैं हम, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो क्वेश्चन में कमेंट में बिल्कुल आप आंसर दें, ठीक है, कमेंट में बोले, मैं उसको उसका आंसर डेफिनेटली दूंगा। तो यहां पर बोला गया कि 3 PQ, जो 3
PQ है 3, PQ जो है वो बराबर है LM के, और MN जो है वो MN जो है ये वाली जो है वो 9 है, ठीक है, तो ये भी 9 होगी इस हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, लेकिन इसका 3 गुना है, ठीक है। अब ये LM जो है, LM का, LM जो है इसका 3 गुना है PQ का, ध्यान देंगे PQ का 3 गुना क्या है LM, तो ये अगर 9 है तो सीधी सी बात है ये कितना होगा, फिर ये 3 होगा, 9 नहीं होगा 3 होगा, क्योंकि वो 3 गुना है तो ये भी 3 गुना ही होगा, क्लियर। तो रखते हैं इसको, तो यहां पर पूछा गया कि QR किसके बराबर होगा, तो QR हमसे सिंपल पूछा गया, QR आप 3 सेंटीमीटर लगाकर चलेंगे, समझ में आई बात, तो गाइस ये होगा इसको करने का तरीका, ठीक है, मैं एक बार क्लियर कर दूं। देखिए यहां पर MN हमें 9 दिया हुआ है और एक कंडीशन दी गई है कि 3PQ बराबर LM, यानी कि 3PQ, PQ की जो 3 वैल्यू है वो एक LM के बराबर होंगी, सही है। तो उस कंडीशन में हमें MN दिया हुआ है तो सीधी सी बात है ये भी 3 गुना होगा इसके मुकाबले, ठीक है, QR के मुकाबले, तो अगर ये 9 है तो ये 3 हो जाएगा, ठीक। तो गाइज ये थी आज की बेस्ट ट्रिक जो कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, तो आप इसे भी प्रिपेयर करके चले। तो आज की इस वीडियो में, छोटी सी वीडियो में एक ट्रिक मैंने आपको बताई है और ये है आज की हमारी फर्स्ट ट्रिक, इसी कंटिन्यूस प्रोसेस पे मैं आपको डेली बेसिस पे ट्रिक बताकर चलूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।